Hi guys, welcome back to my channel House of Kalakar. Myself Vrinda Haldia. Guys, हमने poster color में part 12 में ये सीखा था कि poster color को basically use कैसे करना है. Poster colors में पानी कितना डालना है. Normally बच्चों को इसमें बहुत confusion रहता है. So I uploaded a video of poster color part 1. You can watch it. It's link मेरी description box में है. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. आज मैं आपको पोस्टर कलर से फ्लावर्स कैसे कलर करना है वो सिखाऊंगी. इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल टेक्निक गाइस, नथिंग मच. हम सिंपल बेस कोट्स पे काम कर रहे हैं अभी और एक हाईलाइट, दैट्स इट. नो मोर शेडिंग्स एंड ऑल. और देखना ये फ्लावर्स कितने ज़्यादा सुंदर निकल कर आएंगे. आई हैव ड्रॉन इट, लुक. ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ किया है. इट्स अ राउंड शीट, आप किसी भी शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. गाइज, इसको मैं कलर से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकती थी बट ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ. इसमें आप देख सकते हो, इसमें टू टू लीव्स जो पेटल्स हैं उन्हें मैंने साथ में बनाया है. इस फ्लावर में ये पेटल्स इस तरह से बनेगी और ये गैप ज़्यादा था तो मैंने यहाँ पे एक और बना दिया. ओवरलैप्स होंगी पैटर्न्स. दिस वे गाइस, ये मेरा एक फ्लावर बन गया है. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक फ्लावर करके दिखा रही हूँ. आई होप आपको इसमें मज़ा आएगा. बाकी के फ्लावर्स मैं थोड़ा स्पीड में करूँगी. दिस इज आवर पैलेट जो मैंने पिछली बार यूज़ की थी, एज इट इज़ पड़ी हुई है. आपको मैं एक और टिप बताना चाहूँगी. इसमें होता क्या है, आप पोस्टर कलर जब यूज़ करते हैं तो आप उसको पैलेट में छोड़ सकते हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. ये मेरा आप देख सकते हो, बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल पपड़ी बन गया है. अब यू कैन सी पोस्टर कलर की स्पेशलिटी यही है कि आप इसमें अब जब पानी मिलाएंगे तो ये वापस से पुराने जैसा आ जाएगा. तो आपकी पैलेट में अगर कलर बचा हुआ है तो गाइस उसको धोना मत बिल्कुल भी. दिस इज़ माई फेवरेट कलर. मैंने इसको फेंका नहीं था, मुझे पता था ये मेरे काम आ जाएगा. अभी फ्लावर्स हम पिंक कलर की बना रहे हैं. गाइस, आपके पास जो भी कलर है, पिंक, पर्पल, रेड, ब्लू, येलो, आप किसी भी कलर में फ्लावर्स बना सकते हैं. मेरे पास ये था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस. और एज आई टोल्ड यू कि दिस इज़ माई फेवरेट, सो आई वॉन्ट इट. अब व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अनदर पोर्शन एंड आई विल हैव द वाइट कलर. गाइस, मेरे पास ये बड़ा वाला वाइट कलर है, आप अपने छोटे वाले कलर से यूज कर सकते हैं. और वैसे आपको बता दूं, ये जो मेरा वाइट कलर है ये लगभग 2011 में मैंने परचेज किया था और तब से ये मेरे चल रहा है. ऑल दो मैं, क्योंकि पोस्टर कलर में बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं करती हूँ, सो इसमें थोड़ी सी फंगस आ गई तो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट. मुझे ये हर बार करना पड़ता है. इसका सॉल्यूशन क्योंकि इसमें ख़त्म हो गया है. सो गाइस, नाउ लुक, दिस इज़ माई वाइट कलर. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इट और हम ये सारा जितना भी कलर हमें चाहिए वो हम एक साथ बना लेंगे. एक ही टोन बार बार नहीं बनाएंगे हम. गाइस, ये थोड़ा लाइट है, मुझे थोड़ा सा और डार्क चाहिए. आई वॉन्ट मोर डार्क. आई थिंक मुझे इसके अंदर ही मिला लेना चाहिए. Hmm.
कलर मैं कितना गाढ़ा ले रही हूँ, आप उसको देखिए अच्छे से। टपक नहीं रहा है, यू कैन सी। वेरी थिक लुक, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है कितना थिक है, ये बिल्कुल भी नहीं टपक रहा है और ये एकदम गाढ़ा भी नहीं है, इट्स परफेक्ट। ऑल दो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से कलर पे कितना पानी किस तरह से मिलाने से कैसा इफेक्ट आएगा। सो गाइस नाउ हेयर वी आर गोइंग टू कलर आर फ्लावर। आप अपनी कोशिश करिएगा टेबल क्लीन, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सके। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने पेटल्स बनाई है फ्लावर्स की, सिंपली मैं इसमें पोस्टर कलर फिल कर दूँगी। गाइस माइक भी हो सकते हैं दिखने में बहुत इजी लग रहा है, बट जब फर्स्ट टाइम इसे करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर उसे घबराना मत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली आपसे भी जाएगा। नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स जब मेरा डेमो देखते हैं क्लास में तो उनको लगता है बहुत इजी है, बट व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग तो ये हो नहीं पाता है। तो आप लोग ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दिस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। हो सकते हैं ये अभी आपको बहुत फास्ट लग रहा है, आप इसको बहुत स्लो कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे। लुक मैंने इसे सिंपल आउटलाइन की है, आप छोटा ब्रश ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आई प्रेफर बिग ब्रशेज, इसमें पैचेस नहीं होते हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ शायद, तो गाइस आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ब्रश में स्टिल अभी तक कलर है और मैं उसी कलर को यूज़ कर रही हूँ। आपका कलर जब तक ब्रश में है आप उसी को यूज़ करेंगे। नाउ आई विल टेक इट, इसकी टिप्स बने रहने चाहिए। गाइस लुक ये हो गया है, ऑल द पेंसिल के मार्क्स दिख रहे हैं। तो गाइस पोस्टर कलर इसमें मैंने बहुत अभी पतला लिया है और सिंगल कोट किया है, तो पेंसिल के मार्क्स दिख रहे हैं। आप स्टार्ट करने से पहले इरेजर से इनको सबको लाइट कर सकते हैं ताकि कलर करने के बाद फिनिशिंग अच्छी आएगी। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है। आप इस वीडियो को कंटिन्यू चलाकर साथ के साथ ट्राई भी कर सकते हैं गाइस। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी फास्ट लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली स्पीड है मेरी गाइस, तो आप इसमें एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, इसकी स्पीड आप कम कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर पर्टिकुलर वीडियो के पास में आपकी सेटिंग का मार्क आ रहा होगा, उसमें जाके आप इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, तो ये और धीरे दिखेगा आपको। Guys, this is done. मैं एक बार के लिए ये वाला भी करके दिखाऊंगी आपको। मेरे सारे फ्लावर्स पिंक हैं। अब गाइज मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अब मैंने इसमें पत्ते नहीं बनाई हैं, मैं डायरेक्ट ब्रश से कर रही हूँ। आप चाहें, आपको लगता है कि अभी कर सकते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं।
दिस इज नॉट दैट मच टफ अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो. Guys, this is done. ये मैंने बिना ड्राइंग के किया है, आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. अब लेट मी कंप्लीट, अब एक बार कर ही दिया है तो. आप गाइस पेंसिल से ड्रॉ करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बस इट टेक्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, तो आई एम डूइंग डायरेक्टली. पॉइंट शार्प सो बस ये ध्यान रखना है, ब्रश का पॉइंट अच्छा होगा, काम अच्छा होगा गाइस. I'm done with this color. अब मैं क्या करूँगी, ऑल दो हमें इसे लाइट टोन देना है अभी, बट अभी एक बार के लिए वी कैन यूज ग्रीन. गाइस मैंने ये लाइट ग्रीन लिया है, लाइट पोस्टर ग्रीन जो कि हम कह सकते हैं पैरेट ग्रीन भी होता है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे. अब वापस वही करूँगी मैं, वापस पैलेट में कलर विल फिल. आई होप योर फ्लावर खराब नहीं होगा. ओके गाइस, तो मेरी पत्तियाँ जो है वो यहाँ यहाँ पर है, थोड़ा सा पतला लिया है आप देख सकते हो, ऐसे इसमें थिकनेस की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं मुझे. और ये पत्तियाँ थोड़ी सी वेवी हैं, तो दीज आर वेरी इजी लीव्स. गाइस मैंने पहले ही इसे ड्रॉ करके रखा था ताकि आपको मैं कलरिंग अच्छे से सिखा सकूं. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊं कि ये ड्रॉ कैसे किया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई विल अपलोड अ वीडियो अगेन कि ये फ्लावर कैसे बनाए. आई पत्ती गाइस पीछे सारी फ्लावर की, तो ये फूल के पीछे जाएगी. आई होप यू कैन सी इट, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट हैव पेशेंस, नथिंग मच. आप आराम से स्लोली स्लोली आउटलाइन कर सकते हैं चीज़ों की और फिर उसमें कलर फिल कर सकते हैं. हो सकता है आपके अगर थोड़े से भी पैचेस आ रहे हैं गाइस पोस्टर कलर में,
आप उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए, हो सकता है उसके अंदर पानी कम हो। मेरा कलर थोड़ा ख़त्म हो गया था, मैंने वापस लिया है क्योंकि मुझे उसमें भी कलर करना है। गाइज आई थिंक आई एम डन विद ग्रीन कलर, यू कैन सी इट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग, दिस इज लुकिंग सीरियसली वेरी नाइस, मुझे कुछ ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ओके सो लेट्स डू इट, अंदर हम येल्लो कलर करते हैं, दैट विल लुक गुड। गाइज कभी कभी पोस्टर कलर में लम्स पड़ जाते हैं जिन्हें गुठलियाँ हम कहते हैं, तो अगर ये हो रहा है तो आप उसको पहले मिक्स कर लीजिए। मेरे इस येलो कलर में थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, एक्चुअली बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, ये काम भी नहीं आ रहा, तो हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसी में डायरेक्ट कलर ले लिया ऐसे। लुक कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है मैंने गाइस, वेरी सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब इसकी स्टेम्स में चाहिए टहनियाँ, उसके लिए हम इसमें ब्राउन कलर लेंगे। गाइस फिर से ये कलर मेरा सूखा हुआ है, इवन पूरा खाली भी है, तो या तो हमें बहुत एक बार इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वरना मेरे पास दूसरा ब्राउन भी है अलग उतर, पर ये हो गया ऐसे ही। मैंने इसमें बस पानी का ब्रश लिया और उसको रब कर दूँ, मेरे को जितना कलर चाहिए इसमें निकल पा रहा है। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट द स्टैम्प्स। अब आपको ये ध्यान रखना है ये फूल के नीचे से आ रहा है, अगर आप पहले ही पेंसिल से ये सब ड्रॉ करके रख लेंगे तो ये ईजी हो जाएगा। पतला ब्रश ले सकते हैं आराम से, मैंने यहाँ पे 8 नंबर का ब्रश लिया है, पर आपको यहाँ पे 8 नंबर के ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी साइज़ में कंफर्टेबल हैं गाइस, जिस भी साइज़ में यू कैन टेक दैट। लुक गाइस ये स्टैम्प्स डन है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे पिंक पे ब्राउन का कलर आ गया है, बट ये मैंने इसलिए आने दिया बिकॉज अभी मैं इस पर काम करूँगी, फिलहाल मैं लीफ में कलर कर रही हूँ और थोड़ा सा डार्क ग्रीन, मैंने आपको बताया था गाइस थोड़ा सा शेडिंग देंगे हम। मेरा ये भी कलर सूख गया है, अगर आई एम हैविंग ग्रीन डार्क ग्रीन, मैंने बस नीचे नीचे दिया है। अब आप कहेंगे इसमें पैचेस आ गए हैं, ऑफकोर्स गाइस इसमें थोड़े से पैचेस मैंने दिए हैं चला के, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपके कलर में पैच आ रहा है तो उसे सही कैसे करना है, तो मैंने चलाकर इसमें पैच डाला है।
cool guys, it's done, almost done. Okay, here we go. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने ब्रश को धो लिया है. हेयर इज़ अ फैब्रिक, मैंने इसको पोंछा है. ब्रश ऐसे भी गाइस निकल जाते हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको वापस फिक्स कर सकते हैं, आप इसमें टेपिंग भी कर सकते हैं. अब मैंने ब्रश को धोकर हल्का सा वाइप आउट किया है, और मैं गीले ब्रश को लाइक मैंने ऐसे ये वाइप आउट, आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं ये कलर अब मिक्स हो गया. अब यहाँ पे कोई पैच नहीं पड़ेगा, इसे बस बहुत पेशेंसफुली करना गाइस. इट्स वेरी इजी थिंग, बट अगर पेशेंसफुली होगी तो, अगर हमने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में किया तो और पैचेस पड़ जाएंगे. दिस इज डन गाइस. अब हम इसमें लाइट पिंक कलर का हाईलाइट देंगे. सो मैं वापस से पिंक कलर बना रही हूँ, एक लाइट पिंक. ओके कूल गाइस, इट हैज बीन डन. आई होप आपको दिख भी रहा होगा ये रहा, अभी काफ़ी लाइट है. सो आई लव इट. मैं कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी वेरी इजी थिंग अब जो मैं करने जा रही हूँ. यू कैन सी सिर्फ सिंगल साइड मुझे इसमें आउटलाइंस देनी है गाइस. Now look, it's looking very pretty, no doubt. This is how we are doing this, guys. अब मैं एक बार आपको एक और उसमें डार्क कलर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा. इसे और ज़्यादा सुंदर लगेगा. ये मैंने डायरेक्ट पिंक ले लिया है. थोड़ा सा पतला लिया गाइस सिर्फ डैप्स के लिए.
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, बट गाइज इससे मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरा पर्सनल चॉइस था जो मैंने दिया है। थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये इसको देने से, बट आप लोगों से हो रहा हो सिर्फ तभी देना, वरना वो पहले भी अच्छा लग रहा था। नाउ लुक गाइज इट्स डन। मुझे थोड़े से ब्राउन का और शेड यहाँ देना होगा, येलो में जो हमने जगह छोड़ी है। गाइस दिस इज डन। सो गाइस अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर और भी अपकमिंग वीडियोस होंगी जिसमें अलग अलग कलर मीडियम्स के थ्रू अलग अलग चीज़ों में हम कलर करना सीखेंगे। कौन से कलर के साथ पानी मिलाना है, कौन से कलर के साथ कलर मीडियम मिलाना है, किस कलर में किस तरह से स्ट्रोक्स दिए जा सकते हैं, किस तरह की ब्रशेज हम इसमें यूज़ करेंगे, हर तरह की डिटेल्स आपको मेरी वीडियोज़ में दी जाएगी। तो गाइस आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। उससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा इन फ्यूचर हाउस ऑफ कलाकार का, उसके अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। सी यू अगेन, बाय बाय।